हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम अपने पिछले लेक्चर्स में सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण एडैफिक फैक्टर है, इकोलॉजिकल फैक्टर है। और प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल में जो पानी होता है उस पर मुख्यतया निर्भर होते हैं। सॉइल के बारे में हमने सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ा, सॉइल की प्रोफाइल पढ़ी, और सॉइल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सॉइल के मिनरल मैटर और सॉइल एयर के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो सॉइल जो में जो जल है, जल की मात्रा है, वो उसका जो मुख्य स्रोत है वो रेनफॉल है या वर्षा जल होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने जल चक्र में भी ये बात पढ़ी थी कि जो भी पानी बरसात का आता है उसका कुछ भाग रन ऑफ के रूप में बह के नदी नालों से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है, कुछ भाग जो है वर्षा जल का वो इवेपोरेट हो जाता है या वाष्प बन के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। जो बाकी का पानी होता है, जो बहुत कम अमाउंट में है, वो पानी जमीन की सतह जहाँ जहाँ पे कच्चा पोर्शन है वहाँ से वो जमीन की सतह में परकोलेट कर जाता है, जहाँ बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, क्योंकि जो शहरीकरण हुआ है उसके कारण हमने जो खुली जमीन है उसको हम सड़कें बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स को पक्के करने में, जमीन को पक्का करने में हमने काफ़ी कमी कर दी है। तो जहाँ जहाँ से पानी जमीन में जा सकता है वर्षा जल के परकोलेशन के रूप में, वहाँ से ये पानी ग्राउंड में जाता है और ग्राउंड वाटर का पार्ट बनता है। और ये पानी सॉइल में जाके, मिट्टी में जाके, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो जगह है, पोर्स हैं, उनके बीच में इकट्ठा हो जाता है। उनमें एक कैपिलरी सिस्टम होता है, उसके अंदर ये पानी इकट्ठा रहता है। जो भी वर्षा जल की मात्रा है, ये सॉइल किस टाइप की है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कहता है कैसा है, उससे संबंधित है। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि सॉइल की जो टेक्सचर का मतलब उसकी क्वालिटी जो है, वो दो तीन तरीके की टेक्सचर के हिसाब से सॉइल हो सकती है। एक सैंडी सॉइल होती है, फिर लोम सॉइल है, और क्ले सॉइल है। इसके बीच में और भी तरीके की सब क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतया जो मिट्टी है वो तीन तरीके की मिट्टी पाई जाती है, डिपेंडिंग ऑन दी डायमीटर ऑफ देयर पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल के साइज हैं वो मिट्टी का टेक्सचर का डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का टेक्सचर सॉइल का है। अब अगर सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल में क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है इन कंपेरिजन टू क्ले सॉइल, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उनके बीच में फोर्सेस कम होते हैं, और जो वर्षा जल का पानी होता है वो सीधे सीधे सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से होता हुआ धरती पे, ग्राउंड वाटर पे, वाटर टेबल तक चला जाता है। और पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि फोर्सेस कम हैं पानी को रोके रखने के, तो ऐसी सॉइल में पार्टिकल्स के बीच में पानी बहुत कम अमाउंट में ठहर पाता है, जो इन कंपैरिजन टू सिल्ट और क्ले। तो ये जो है पानी, वो बीच में जो कैपिलरीज बनती हैं उनका अट्रैक्शन, पानी और सॉइल पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, कोहेजन बॉन्ड्स हैं, या पानी और पानी के बीच में जो बॉन्ड्स हैं जिनको हम एडिशन बॉन्ड कहते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि कितना पानी मिट्टी में रहेगा। अगर क्ले सॉइल की बात करें, इसके बिल्कुल विपरीत सॉइल जो हमने टेक्सचर में पढ़ी थी, क्ले सॉइल जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, तो वहाँ पे आपस में रोके रखना, जो आपस में बॉन्ड्स हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो बॉन्ड्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो पानी को वहीं पे रोक लेते हैं। जो कैपिलरीज हैं वो नैरो होती हैं, तो वहीं वो पानी रुक जाता है, उनके बीच में कोहेजन एडिशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और क्ले सॉइल में इसलिए सैंडी सॉइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा रहने से भी उसमें जो मिनरल्स हैं, जो रॉक्स के सरफेस से मिनरल्स उसमें डिजॉल्व होते हैं, मिनरल सॉल्यूशन बनता है,
वो थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसका ग्रेविटी से अंडरग्राउंड परकोलेशन कम हो जाता है और ये सॉइल सेलाइन सॉइल हो जाती है। इस सॉइल में एयर की कमी होती है, क्ले सॉइल में, तो जो प्लांट्स हैं वो उस पानी को ज़्यादा सेलाइन सेलिनिटी की वजह से इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बीच में जो लोम सॉइल है, इन दोनों के बीच की जो क्वालिटी है, जिसमें आधा आधा सैंड पार्टिकल्स और आधे क्ले पार्टिकल्स या सिल्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो लोम सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें सैंडी सॉइल के भी गुण हैं और क्ले सॉइल के भी गुण हैं। मतलब उसमें कुछ पार्टिकल सैंड के हैं, कुछ पार्टिकल क्ले सॉइल के होते हैं। तो जैसा पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लोम सॉइल जो है वो बेस्ट सॉइल हो जाती है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि इस सॉइल में फर्टिलिटी अच्छी है, मिनरल का कंसंट्रेशन सही होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉपर एरिएशन होता है, जो क्वालिटी सैंडी सॉइल की पॉजिटिव क्वालिटी है वो भी इसमें आ जाती है, जो क्ले सॉइल की बेस्ट क्वालिटी है कि पानी को रोके रखने की क्षमता अच्छी है वो भी इसमें आ जाती है। और ये सॉइल सैंडी और क्ले सॉइल के गुणों के मिलने के कारण बेस्ट सॉइल हो जाती है और ऐसी सॉइल में प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह के रेफरेंस में जो सॉइल है उसको हम दो तरीके से की सॉइल के रूप में जानते हैं। एक होती है फिजिकली ड्राई सॉइल और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। फिजिकली ड्राई सॉइल, जो हमने सैंडी सॉइल के बारे में बात की है, जिसमें पानी जमीन के जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में नहीं इकट्ठा रहता और ग्रेविटी से सारा चला जाता है, तो ऐसी सॉइल हमेशा सूखी सॉइल कहलाती हैं, जिसमें पानी को रोके रखने की क्षमता नहीं होती है, तो ये सॉइल फिजिकली ड्राई सॉइल कहलाती है। और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, कि क्ले सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी बहुत है, अवेलेबल है, ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन जो मिनरल कंटेंट है वो उसमें ज़्यादा होने की वजह से वो सॉइल को सेलिनिटी दे रहे हैं, एक सेलाइन सॉइल बन रही है। और ऐसी सॉइल में प्लांट्स जो हैं उनका वाटर अपटेक प्रभावित होता है, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से उस पानी को ग्रहण नहीं कर पाते और ये पानी उस पार्टिकल के बीच में इकट्ठा रहता है। जैसे हम दलदली सॉइल की बात करें, स्वैम्प सॉइल की बात करें, तो यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत है लेकिन फिर भी प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो ये सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहलाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सॉइल का में एयर की मात्रा है या हवा की मात्रा है वो, और सॉइल का जो वाटर है वो सॉइल के टेक्सचर और उसके स्ट्रक्चर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जो भी पानी सॉइल में है वो कई रूपों में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं पानी की मिट्टी में, और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसमें हम बता सकते हैं कि कितनी तरीके के पानी सॉइल में पाए जाते हैं। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ एक पतली फिल्म के रूप में पाया जाए। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो सॉइल पार्टिकल है इसके चारों तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये एक पतली फिल्म है पानी की, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। और ये जो पानी है वो जो पार्टिकल के सरफेस फोर्सेस हैं उसके कारण पार्टिकल पे लगा हुआ रहता है। जो यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके मैंने बताया है कि पार्टिकल्स के ऊपर ये यहाँ पे जो पानी है उसके मॉलिक्यूल के बीच में भी एडिशन फोर्सेस हैं और पार्टिकल और पानी के बीच में भी कोहेशन फोर्सेस हैं, और ये पानी स्ट्रॉन्गली इस पार्टिकल के ऊपर टाइटली बंधा हुआ रहता है और इस पानी को हम इस पार्टिकल से अलग नहीं कर सकते। तो ये पानी जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं है और पौधे इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो ये कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दूसरा जो पानी है वो कहलाता है कैपिलरी वाटर, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है पानी की, अवेलेबल फॉर्म है पानी की, और पानी जो है वो
जैसा आपने पहले बताया कि जैसे ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेसेस बन जाती हैं, दीज आर पोर स्पेसेस, और इन स्पेसेस में ये एक तरीके से कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस कैपिलरी में ये पानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इकट्ठा रहता है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं तो उनको आपस में भी उनका फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, और दूसरा जो पानी और पार्टिकल के बीच में है कोहेजन फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रांग है, तो ये कैपिलरीज का जो सिस्टम बन जाता है सॉइल में, इसमें जो पानी होता है वो कैपिलरी वाटर कहलाता है, जो अगर एक्सिस में होता है तो ग्रेविटी से वो नीचे जाता है, अदरवाइज वो सॉइल पार्टिकल के बीच में रहता है, और ये पानी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो इन्हीं सॉइल पार्टिकल के बीच में फैलता है, फैला हुआ रहता है, और वो रूट हेयर से इस पानी को प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो डिफरेंट तीसरा जो फॉर्म आता है पानी का, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर वो पानी है जो सीधा परकोलेट कर जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। जितना बारिश का पानी आया है अगर वो थोड़ा एक्सेस में है तो वो पार्टिकल्स उसको नहीं रोक पाते, जितना वो कैपिलरी फोर्सेस के कारण रोकते हैं उतना रोक लेते हैं, अदरवाइज वो ग्रेविटी की वजह से उसका डाउनवर्ड मोमेंट हो जाता है और वो वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। और ये पानी जो है वो सॉइल की मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उससे सरप्लस होता है, उससे एक्स्ट्रा पानी है, और ये बाद में हम इसको दूसरे हमारे जो मीन्स हैं जैसे ट्यूबवेल है या कुएं हैं, इन चीज़ों से हैंड पंप्स हैं, उससे हम इसको बाहर निकाल सकते हैं और हम पौधों को आर्टिफिशियली पानी दे सकते हैं, जो नेचुरली रूट हेयर से नहीं है तो हम उसको ऊपर से पानी पौधों को सप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके से अवेलेबल वाटर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज कम्बाइंड वाटर। कम्बाइंड वाटर जो है वो जो भी रॉक के पार्टिकल्स हैं उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जैसे Fe2O3-3H2 मीन्स वो पानी मिनरल के साथ में जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है वो। तो जो पानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम, आयरन, चाहे सिलिका, किसी के भी हो, उसके रूप में बंधा हुआ पानी है, कम्बाइंड वाटर है, मॉलिकुलर वाटर है, और इस पानी को प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, अपने उसमें रूट हेयर से इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर, और वाटर वेपर जो है वो भी कुछ पानी जो है पानी का वो पोर स्पेसेस में या तो हवा होती है या पानी होता है, या कई बार पानी वाटर वेपर के रूप में भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंट जो पांच फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कम्बाइंड वाटर या वाटर वेपर, इन रूपों में पानी सॉइल में पाया जा सकता है। अब जो मृदा जल है उसके लिए हम दो तीन टर्म्स और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी जो पानी के रेफरेंस में इम्पॉर्टेंट है, कि जितना भी पानी सॉइल में प्रेजेंट है उसको हम होलार्ड कहते हैं। होलार्ड, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। इस टोटल अमाउंट में से दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट और द अवेलेबल वाटर, इट इज़ नोन एज क्रेसार्ड, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ नॉट अवेलेबल और दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, इट इज़ अनअवेलेबल वाटर, तो इसको हम एकार्ड कहते हैं। तो ये भी टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं, होलार्ड, क्रेसार्ड और एकार्ड। नाउ जो भी वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़े हैं उसको हम इस तरीके से डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि टोटल जो पानी है, यहाँ हमने देखा है कम्बाइंड वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं पानी के, और इसमें से अनअवेलेबल वाटर जो है वो कम्बाइंड वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर अनअवेलेबल वाटर हो गया, और कैपिलरी वाटर का वो पार्ट जो पौधे ले रहे हैं वो पार्ट, और ग्रेविटेशनल वाटर, ये कैपिलरी वाटर ये पानी के लिए अवेलेबल। ग्रेविटेशनल को हम यहाँ इसलिए नहीं रखते प्लांट ग्रोथ के रेफरेंस में, क्योंकि इसको प्लांट नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं करते, तो ये अवेलेबल वाटर हो जाता है।
जो बीच की जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच की स्पेस, उसमें जो पानी रहता है वो कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर है, वो पोर स्पेस बनाती है। और जो कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और जो कैपिलरी वाटर है, ये मिलके सॉइल की फील्ड कैपेसिटी बनाते हैं। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर जो कि अवेलेबल होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।